सलमान खान की ट्यूबलाइट और शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि दोनों फिल्मों में सुपरस्टार्स थे। नतीजा उम्मीद के बिल्कुल विपरीत निकला। कमाई तो छोड़िए, तगड़ा नुकसान फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को उठाना पड़ा। सवाल यह उठता है कि किस फिल्म से नुकसान ज्यादा हुआ। पहले बात करते हैं सलमान की ट्यूबलाइट की, जो फ्यूज निकली। इस फिल्म को 132 करोड़ रुपए में बेचा गया था। फिल्म के वितरकों को 85 करोड़ रुपए का तगड़ा नुकसान हुआ। दिलदार सलमान ने लगभग 40% रकम यानी 33.5 करोड़ रुपए लौटा दिए। वितरकों को 51.5 करोड़ रुपए का झटका सहना पड़ा। दूसरी ओर शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल वितरकों को 80 करोड़ रुपए में बेची गई। 30 करोड़ ही वसूल हो पाए और 50 करोड़ का नुकसान हुआ। देखा जाए तो सलमान की फिल्म से ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि यह महंगे दामों में बेची गई थी, लेकिन सलमान ने कुछ रकम लौटा दी, तो दोनों फिल्मों में से सलमान की फिल्म से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान ज्यादा हुआ।